दोस्तों वैलेंटाइंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिन है 14 फरवरी और आज का वीडियो स्पेशली बनाया गया है वो सारी जानकारियां आपको देने के लिए जिनकी डिमांड बहुत दिनों से मेरे से की जा रही थी। मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स मेरे से लगातार इस सवाल को पूछ रहे थे क्योंकि मैंने ओयो को लेकर के बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने ओयो होटल से रिलेटेड जो भी मिथ थे, जो भी गलत फहमियाँ थी उनको दूर करने की पूरी तरह से कोशिश की है। और अगर आप मेरे वो वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों ओयो भारत ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलती हुई सबसे तेजी से बढ़ती हुई होटल चेन है जो आपको सबसे कम दामों पर सबसे स्मूथ जो है होटल का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। और आज का जो वीडियो है वो इसी की एक फैसिलिटी से जुड़ा हुआ है जिसके बारे में आपको आगे जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों आप पूरी दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के अगर स्टे करते हैं तो आपको एक होटल रूम की आवश्यकता होती है, चाहे वो फ्रेंड्स लोग जा रहे हों, चाहे वो फैमिलीज जा रही हों, चाहे वो मैरिड कपल जा रहे हों या अनमैरिड कपल जा रहे हों, सभी को कहीं भी जाने पर एक ईज जो है एक बढ़िया होटल स्टे की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए ओयो आपको सबसे बेहतरीन डील्स प्रोवाइड करता है। मैं रिकमेंड करूंगा कहीं भी आप जाएं तो ओयो होटल को ही फॉलो करें, ओयो के होटल को ही बुक करें क्योंकि ओयो के होटल बहुत ही जो है वो सेफ हैं। वहां पर आपको फूड भी अच्छा मिलता है, अच्छे क्लीन जो है वो रूम्स मिलते हैं, क्लीन वॉशरूम्स मिलते हैं और वो सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं जिनकी आपको आवश्यकता है। तो आइए शुरू करते हैं, आपको आज बताते हैं आज का जो सबसे बड़ा सवाल है जिसको मुझसे बहुत दिनों से पूछा जा रहा था कि ओयो में क्या एक कपल जो है वो स्मूथ एंट्री प्राप्त कर सकता है। तो हाँ दोस्तों, अगर आप एक कपल हैं तो ओयो में स्मूथ एंट्री ले सकते हैं, लेकिन स्मूथ एंट्री लेने के लिए आपको वहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फुलफिलअप करनी पड़ती हैं। अगर आप वो रिक्वायरमेंट को फुलफिलअप कर देते हैं तो आप इजी एंट्री ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि ओयो के सारे जो होटल्स हैं वो कपल फ्रेंडली नहीं हैं। ओयो के कुछ ही होटल जो है वो कपल फ्रेंडली हैं और ओयो ऐप में जा करके आप रिलेशनशिप मोड को ऑन करके उन होटल्स को सर्च कर सकते हैं। तो आपको उन्हीं होटल की लिस्ट आएगी जो होटल जो हैं वो कपल्स को अलाउड करते हैं। दोस्तों आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो पॉलिसीज जो ओयो की हैं जो स्मूथ चेक इन देती हैं कपल्स को होटल्स के अंदर वो क्या क्या हैं, आगे आप मेरे वीडियो में देखेंगे। और एक चीज और है कि अगर आज का वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमेशा YT भारत चैनल के साथ बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं ये जानकारियां। दोस्तों दुनिया के सबसे एडवांस ऐप में से एक ऐप ओयो ऐप आपके सामने ओपन है। आपके सामने वैलेंटाइन वीक का ऑप्शन सबसे टॉप में आ रहा है जिसमें 55% डिस्काउंट भी दिखा रहा है। पेटीएम जैसी कंपनीज के थ्रू आप डिस्काउंट ले सकते हैं ओयो ऐप के अंदर। यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए मनाली के अंदर एक होटल को सिलेक्ट कर रहे हैं, द माल रोड हमने लोकेशन को सिलेक्ट किया है। यहाँ पर सैंपल के तौर पे एक होटल पे क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद ये धीरे धीरे ओपन हो रही है। नीचे स्क्रॉल करके चलेंगे और ढूंढते हैं उस ऑप्शन को, जिस ऑप्शन को ओपन करने के बाद मैं आपको उस पॉलिसी को पढ़ करके दिखाने की कोशिश करूंगा। हिंदी में आपको पढ़ करके बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा ब्रीफ में कि अगर आपको स्मूथ चेक इन करना है तो किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। तो दोस्तों आपके सामने इस पॉलिसी का पेज ओपन होने वाला है कुछ ही टाइम में, आपको पढ़ करके बताएंगे। सबसे ऊपर ऑप्शन में आईडी प्रूफ के बारे में पूछा गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें लिखा है पैन कार्ड अलाउ नहीं है। मतलब इसके अलावा कोई भी आईडी प्रूफ जैसे वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या कोई ड्राइविंग लाइसेंस आप दिखा सकते हैं। लीगल कंप्लायंसेस के बारे में लिखा है तो लिखा गया है 18 साल से अधिक की उम्र अगर आप है तो वैलिड आईडी प्रूफ के साथ आप स्मूथ चेक इन कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसे आप सपोज कहीं के लोकल हैं जैसे गुरुग्राम में हैं तो गुड़गावा में ही अगर
आप होटल में स्टे कर रहे हैं तो वो भी अलाउड है, लेकिन वही होटल अलाउड करेंगे जहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है कि अनमेरिड कपल के लिए स्टे वहाँ पर क्या सेफ़ है, तो लिखा हुआ है कि बिल्कुल सेफ़ है। 24/7 कॉल सेंटर पे आप क्लिक करके, कस्टमर केयर पे बात करके, अगर किसी भी तरह की समस्या चेक इन से रिलेटेड आपको होती है तो आप कॉल सेंटर में कॉल करके अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं और आपको आपकी समस्या का समाधान तुरंत प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, ओयो होटल के थ्रू अगर आप कोई भी होटल रूम को बुक करते हैं तो आपको वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं जो किसी 5-स्टार होटल में आपको प्रोवाइड की जाती हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत बार जो है ओयो होटल को बुक किया है और हमेशा जो है वो स्मूथ चेक इन किया है, किसी भी तरह का इशू नहीं होता है। आप भी जाएं, चेक इन करें और चेक इन करने के बाद आप समझ जाएंगे क्या डिफरेंसेस हैं ओयो और अदर होटल चेन्स के बीच में।